गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लर्न करने वाले हैं मशीन्स नेम। क्या लर्न करने वाले हैं? मशीन्स नेम। बच्चों, हमने हाउस होल्ड मशीन्स नेम लर्न कर ली थी। हाउस होल्ड मतलब क्या था? जो घर में मशीन्स यूज़ आती हैं, हमने उनका नाम लर्न कर लिया था। आज मैं लर्न करवाने वाली हूँ आपको मशीन्स नेम, जो हमारी घर में नहीं, हमारे और कामों में यूज़ आती हैं। ठीक है, तो आज हम 20 मशीन्स नेम पढ़ेंगे और उनको लर्न करेंगे। ठीक, हमको बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि हमें इन्हें लिखना भी है, तो हमें इनकी स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न होनी चाहिए और इनका मतलब भी पता होना चाहिए कि ये मशीन क्या करती हैं। ठीक, स्टार्ट करें आज की वीडियो। देखिए बच्चों, सबसे पहली यानी फर्स्ट मशीन जो है वो है आपकी, देखिए ये। अब हम इसको बोलते क्या हैं, पढ़िए, बीनोक्यूलर्स। क्या बोलेंगे? बीनोक्यूलर्स, एस को ज के साउंड में पढ़ते हैं। ठीक, तो बीनोक्यूलर्स, बीनोक्यूलर्स। ठीक, तो बच्चों ये होता क्या है, बीनोक्यूलर्स होता क्या है? देखिए, सबसे पहले आप इनकी स्पेलिंग लर्न करो, BINOCULARS, बीनोक्यूलर्स, BINOCULARS। बोलिए मेरे साथ फिर से, BINOCULARS। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कि बीनोक्यूलर्स होता क्या है। देखिए, बीनोक्यूलर्स होता है दूरबीन। बीनोक्यूलर्स क्या होता है? दूरबीन। दूरबीन से हम क्या करते हैं, बहुत दूर की चीज़, बहुत दूर कोई खड़ा है, मान लीजिए बहुत दूर कोई खड़ा है, तो हम दूरबीन से उसे पास में देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन खड़ा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो दूरबीन तो आप लोगों ने देखी होगी, है ना? चलिए, तो बीनोक्यूलर्स की स्पेलिंग क्या है? BINOCULARS। समझ गए आप लोग इसका मतलब? आगे बढ़े। चलिए, सेकेंड जो आपकी मशीन है बच्चों, वो है बुलडोजर। क्या है? बुलडोजर, बुलडोजर। तो बुलडोजर क्या होता है आपको पता है? देखिए, बुलडोजर एक मशीन है जो पता है हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, हमारे घर होते हैं, उनको गिराने में काम आता है। बुलडोजर से हम कोई भी बड़ी इमारत को गिरा सकते हैं, बड़ी बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो बुलडोजर की स्पेलिंग क्या है? BULDOZER, बुलडोजर, BULDOZER। लर्न हो गया आपको? आगे बढ़े। चलिए, थर्ड क्या है ये? कैलकुलेटर। ये तो आप लोगों ने देखा भी होगा और उसका यूज़ भी किया होगा, कैलकुलेटर। ठीक, कैलकुलेटर की स्पेलिंग क्या है? CALCULATOR, कैलकुलेटर, CALCULATOR। अब कैलकुलेटर क्या होता है बताइए आप लोग? हाँ, देखिए, कैलकुलेटर क्या होता है? कैलकुलेटर से हम कोई भी बड़े से बड़े सम को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेटर में हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कैलकुलेटर का यूज़ जो बिजनेसमैन वाले लोग होते हैं या फिर कोई भी कंपनीज होती हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, तो वो लोग वहाँ के जो अमाउंट्स होते हैं उनको टोटल करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्रेन। क्या लिखा है ये? क्रेन, क्रेन। क्रेन की स्पेलिंग क्या है? CRANE, CRANE, क्रेन। अब बच्चों मैं बता दूं आपको क्रेन का यूज़ क्या होता है। देखिए, क्रेन से हम भारी, जो भारी सामान होता है ना, जिसमें भारी वजन होता है, हम वो सामान उठा सकते हैं।
क्रेन से हम भारी वजन उठाने, ये क्या है? भारी वजन उठाने वाली मशीन है। क्रेन से हम भारी सामान उठा सकते हैं। समझ गए आप लोग इन चारों मशीन के बारे में? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, ये है आपकी आगे की मशीन्स। तो ये कौन कौन सी मशीन है देखिए, पढ़ो। आपकी जो आगे की मशीन है उसका क्या नाम है? एलिवेटर, एलिवेटर, एलिवेटर। ठीक, एलिवेटर की स्पेलिंग क्या है? ELEVATOR, एलिवेटर। ठीक, अब ये होता क्या है? एलिवेटर होती है लिफ्ट। क्या बोला मैंने? लिफ्ट। अब ये लिफ्ट क्या होती है? आप लोग कभी बैठे हो लिफ्ट में? देखिए, लिफ्ट से हम क्या करते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं बच्चों, तो वहाँ पर काफ़ी सारे घर होते हैं, है ना? काफ़ी सारी बिल्डिंग्स होती हैं, तो बच्चों हमें जल्दी से जल्दी पहुँचने के लिए अपने घर में लिफ्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता दूँ, जैसे बच्चों मॉल होता है, मॉल में काफ़ी सारे ग्राउंड में सामान रखा होता है, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना? काफ़ी सारे फ्लोर पर मॉल में सामान मिलता है। तो हमें, अगर हम नीचे हो, ग्राउंड फ्लोर पर हो और हमको पहुंचना हो फिफ्थ फ्लोर पर, तो हम इतनी सारी जो सीढ़ियाँ होती हैं वो तो नहीं चढ़ेंगे ना, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, मॉल में ही लिफ्ट बना दी जाती है, और जिसको भी फिफ्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर या फिर किसी भी फ्लोर पर जाना होता है तो वो लिफ्ट में खड़ा हो जाता है, और उस फ्लोर के वहाँ पर एक स्विच होता है, उसको क्लिक कर आप फिफ्थ फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। समझ में आया आपको लिफ्ट का यूज़? तो लिफ्ट जो होती है वो हमारी मशीन है, जिसका नाम है एलिवेटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी सेकंड मशीन क्या है? एक्सकलेटर। क्या है? एक्सकलेटर, ESCALATOR, एक्सकलेटर, ESCALATOR, एक्सकलेटर। अब ये क्या होता है बच्चों, पता है आपको? बच्चों देखिए, एक्सकलेटर क्या होता है, जैसे एलिवेटर था वो क्या था? लिफ्ट। एक्सकलेटर होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा मॉल वगैरह में, वहाँ पर एक सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ पर हम फर्स्ट सीढ़ी पर खड़े होते हैं, तो वो हमें ऑटोमेटिकली जहाँ लास्ट सीढ़ी पर पहुँचा देती है ना? तो उसको बोलते हैं, वो मशीन को बोलते हैं हम एक्सकलेटर। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, तो आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम होल पंच। क्या है होल पंच? देखिए होल पंच क्या होता है, हमें किसी भी ज़मीन पर या फिर कहीं पर भी हमें छेद करना होता है, होल करना होता है, तो उसके लिए मशीन होती है होल पंच। ठीक, होल पंच की स्पेलिंग क्या है? HOLE और पंच PUNCH। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए क्या है ये बच्चों। अब देखिए हमारी जो फोर्थ मशीन है वो है लेजर पॉइंटर, LASER, लेजर और POINTER, पॉइंटर। अब बच्चों ये क्या होती है, देखिए लेजर पॉइंटर एक छोटी सी हमारे पास निडल टाइप का होता है, जिसमें उसके अंदर से कलरफुल लाइट्स निकलती हैं। क्या होता है? कलरफुल लाइट्स निकलती हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, काफ़ी कलर की लाइट्स निकलती हैं। ठीक है, और ये इसका यूज़ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, जब आप वो लोग अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ठीक, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, आगे बढ़े चलिए। अब देखिए बच्चों, ये है आपकी आगे की मशीन्स। कौन कौन सी हैं देखिए, माइक्रोस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक, पेपर शेडर और सिग्मो मैनोमीटर। ठीक,
अब मैं आपको इनका यूज़ बताती हूँ। फर्स्ट है हमारी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की स्पेलिंग क्या है? MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप। ठीक, माइक्रोस्कोप देखिए एक मशीन होती है जिसमें हम वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप क्या होता है, देखिए माइक्रोस्कोप में हम हमारे हाथ के जो जर्म्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे छोटी चींटी से भी छोटी वस्तु को हम इसमें बड़ी देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे हमारे अंदर के जो जर्म्स होते हैं हम उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जिससे वो हमें बड़े दिखाई देते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट मशीन क्या है आपकी? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर, OVERHEAD PROJECTOR। ओवरहेड प्रोजेक्टर, समझ गए आप लोग इसकी स्पेलिंग? अब देखिए ये एक प्रोजेक्टर होता है। क्या होता है ये? ये एक प्रोजेक्टर होता है। ठीक, नेक्स्ट पेपर शेडर। पेपर शेडर ये क्या होता है? पहले इसकी स्पेलिंग लर्न करिए। PAPER पेपर और शेडर SHRED ER। पेपर शेडर का मतलब क्या होता है? जैसे एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम पेपर के छोटे छोटे, मतलब हम इसमें पेपर के बिल्कुल छोटे छोटे सी स्ट्रिप्स निकल आती हैं हमारे पास। ठीक, मैं अभी आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारी मशीन है ये सिग्मोमैनोमीटर। सिग्मोमैनोमीटर इसकी स्पेलिंग लर्न करिए। SPHYGMOMANOMETER सिग्मोमैनोमीटर। फिर से बोलिए। SPHYGMOMANOMETER ठीक, सिग्मोमैनोमीटर ये क्या होता है? देखिए ये एक मशीन है जिससे हम ब्लड प्रेशर, जो हमारे हमको ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ना, जैसे ब्लड प्रेशर हमारा कभी हाई होता है कभी लो होता है, तो वो हम इसमें से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है। ओके, समझ आ गया आपको इतना? आगे बढ़े, चलिए देखिए बच्चों ये है आपकी आगे की मशीन। कौन कौन सी हैं? देखिए स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप, टाइपराइटर और वीडियो प्रोजेक्टर। स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप, टाइपराइटर और वीडियो प्रोजेक्टर। देखिए स्टेथोस्कोप क्या होता है, पहले स्पेलिंग लर्न करिए इसकी। STETHOSCOPE स्टेथोस्कोप। अब बच्चों ये क्या होता है? देखिए आप लोगों ने डॉक्टर्स देखे होंगे, डॉक्टर्स के गले में एक मशीन होती है जिससे वो हमें चेक करते हैं, है ना। उस मशीन के दो निडल होते हैं, वो अपने कानों में लगाते हैं, है ना, और एक वो अपने हाथ में पकड़कर हमारे पेट पर, हमारे हाथ पर वगैरह पे चेक करते हैं उसको रखकर, है ना। उस मशीन को बोलते हैं हम स्टेथोस्कोप। ठीक, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट टेलीस्कोप, TELESCOPE टेलीस्कोप। ये क्या होती है? ये भी एक दूरबीन होती है, पर बच्चों इस दूरबीन का यूज़ बड़े बड़े साइंटिस्ट करते हैं। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट टाइपराइटर, TYPEWRITER टाइप राइटर। अब इसका तो आपको नाम ही सुनकर आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, टाइपराइटर, जिस पर हम टाइपिंग करते हैं। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्टर, VIDEOPROJECTOR वीडियो प्रोजेक्टर। ये क्या होता है? वीडियो प्रोजेक्टर एक प्रोजेक्टर होता है जिस पर हम अपने वीडियोस को बहुत बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, फिल्म देखी है आपने सिनेमा थिएटर में जाकर, तो वो लोग क्या करते हैं,
प्रोजेक्टर नीचे रख लेते हैं और बड़ी स्क्रीन पर पर्दा लगा देते हैं, जिस पर वो हमें फिल्म बहुत बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देती है। समझ आ गया आपको? स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप, टाइपराइटर और वीडियो प्रोजेक्टर। आगे बढ़े चलिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे की मशीन को पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन सी मशीन है आपकी, बैलेंस, ब्यूसिन बर्नर, रोबोट और थर्मामीटर। फिर से बोलिए, बैलेंस, ब्यूसिन बर्नर, रोबोट और थर्मामीटर। ठीक, अब पढ़ते हैं एक एक करके, इनकी स्पेलिंग को लर्न करते हैं और जानते हैं ये होती क्या है। देखिए आपकी जो फर्स्ट मशीन है वो है बैलेंस। बैलेंस की स्पेलिंग क्या है, BALANCE, बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। तो बच्चों बैलेंस मशीन होती है हमारे जो बैलेंस करने के लिए होती है, कि जैसे हमसे कोई बोले कि 1 kg हमको आलू दे दीजिए, तो 1 kg नापने के लिए हमारी एक मशीन होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है और ऐसी नॉर्मल बिना लाइट के जलने वाली भी मशीन होती है। ओके, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट ब्यूसिन वर्नर, ब्यूसिन वर्नर, VUNSEN, और बर्नर BURNER, ब्यूसिन बर्नर। देखिए ये मशीन होती है हीटिंग के लिए। बच्चों ये मशीन लैब में यूज़ होती है हीटिंग के लिए। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट रोबोट, ROBOT, रोबोट, रोबोट। देखिए ये बिल्कुल मनुष्य की तरह ही होती है, जो मनुष्य सारे काम कर सकता है वो बिल्कुल रोबोट भी वही काम कर सकता है, पर ये बस इंसान नहीं है। ओके, जितना काम हम कर सकते हैं उतना ही काम रोबोट भी कर सकता है। ठीक, बस रोबोट इंसान नहीं है। नेक्स्ट थर्मामीटर, थर्मामीटर की स्पेलिंग क्या है, THERMOMETER। फिर से बोलिए, THERMOMETER। ओके, थर्मामीटर। देखिए ये क्या होता है, देखिए जब आपको फीवर आता है, बीमार पड़ते हैं, जब आपको बुखार आता है, फीवर आता है, तब आपके फीवर को मेज़र करने के लिए कि आपको कितना फीवर है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर का। ओके, थर्मामीटर ये मशीन है जिसका हम यूज़ करते हैं फीवर को मेज़र करने के लिए। ठीक, समझ आ गया आपको इतना। तो यहीं पर हमारी ये मशीन्स होती हैं कंप्लीट। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ऑल मशीन्स नेम अपनी होमवर्क नोटबुक पर लिखने हैं। ओके, अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।